तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज के इस व्लॉग में बहुत स्पेशल चीज होने वाली है। क्योंकि फिलहाल यहाँ पर अभी मैंने एडिटिंग जस्ट शुरू कर दी है। मतलब ये मेरे मेन चैनल की एडिटिंग है, जो कि हम अपने गेमिंग उसमें डालते हैं, जब फ्री फायर वाले वीडियोस होते हैं उसमें। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ। पारस है, पारस के कुत्ते का रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, इंडिया के अंदर अगर आप कोई पेट पालते हो, जैसे मान लो कुत्ता बिल्ली कुछ भी पालोगे, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए हम करने के लिए अभी जाएंगे मोती झील, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं। फिलहाल उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। फिलहाल आज का इस व्लॉग को पूरा देखना। और फिलहाल अभी मेरी एडिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी मुझे दो तीन चीजें इसमें और एडिट करनी है। जो मैं यहाँ पर एडिटिंग करता हूँ, वो मैं करता हूँ फिल्मोरा 11 पे। फिल्मोरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें तुम लोग मतलब इजीली एडिट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स है, जिसके अंदर जो इसकी डिजाइन है, वो बहुत अच्छा है, मतलब इजी टू यूज है, ठीक है। तो इजी टू यूज में आप लोग बहुत इजीली यहाँ से एडिट कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं तुम लोग को एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, ये देख सकते हो मेरा जो पाचे का एक तरीके साइड का जो कांच है, मतलब शीशा है, वो मेरा निकल चुका है और ये टूटा है बहुत दिनों बाद, मतलब एक साल होने वाला है गाड़ी को, अब जाके टूट चुका है ये। और अभी यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ पड़ा हुआ है, ये देखो पूरा निकल चुका है, साइड से पूरा टूट चुका है, ये जुड़ेगा भी नहीं। ये गाड़ी भाई देख सकते हो, अभी फिलहाल मैंने चलाई नहीं है बहुत दिनों से, देखो कितनी गंदी हो रही है। अभी मुझे धुलवाना है इसको, लाल बंगले जाऊँगा वहाँ से धुलवाऊंगा, 50 रुपये में धुलती है। फिलहाल अभी ये टूट चुका है, तो मुझे नया इसका मैं सोच रहा हूँ कि नया एक मेरा ले लूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से मोटर व्लॉगिंग करनी पड़ती है, यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। और तो अभी मैं बहुत जल्दी मोटर व्लॉग का मतलब गोप्रो लेने वाला हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, वाली गोप्रो से हम लोग निकलेंगे, फिर मोटर व्लॉगिंग करेंगे और जगह जगह जाके घूमेंगे। तो अगर आप लोग ने फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दो, एंड आगे आने वाले डेली व्लॉग्स में मैं कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉग्स लेके आ पाऊँ, ठीक है। अभी फिलहाल क्या है, देखो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है और फिलहाल मेरा शीशा टूट चुका है। मुझे नहीं पता है कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है पाचे लेने के बाद, क्योंकि बहुत महंगी गाड़ी है। और उसके बाद ये शीशा आएगा 2-2.5 हज़ार रुपये का, और उसमें एक मैंने देखा, एक मॉडिफिकेशन में एक लाइट आती है, यहाँ पर सीधे लाइट लगती है यहाँ पर, बिल्कुल RRM करके गाड़ी है जो, उसमें ऐसी चीज़ होती है, पर मैं सोच रहा हूँ वही लगा लूँगा, मॉडिफिकेशन करवा लूँगा। फिलहाल इसको जहाँ पड़ा था जैसे, तो आज ब्रेकफास्ट में है खस्ता और पराठा, साथ में दही, उसके बाद दो चटनी भाई अभी मैं लेके आया हूँ, जस्ट बहुत तेज भूख लग रही थी, अब खाने जा रहे हैं। फिलहाल हम भी पहली बार सुन रहे हैं कि पेट वगैरह अगर पालते हो तो घर में रजिस्ट्रेशन होता है उसका, पता नहीं, अच्छा कंपलसरी नहीं होता है यहाँ पर फिलहाल अगर रजिस्ट्रेशन कराना, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, हो सकता कराते हो, क्योंकि मैंने अभी तक पेट पाला नहीं है, पेट के नाम पर ये पला हुआ है, तो जिसका नाम है A2। तो फिलहाल अभी मैंने पारस को कॉल कर दिया, वो आ रहा है थोड़ी देर में, और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं मोती झील के लिए। उसके बाद वहीं पर होता है रजिस्ट्रेशन, जो भी पेट वगैरह का रजिस्ट्रेशन होता है वो वहीं होता है। और अभी देख सकते हो ये वाली गाड़ी भाई बहुत ही ज़्यादा खट्टा रहा है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, 2-3 साल तक स्कूल भी गया था इसी से और कॉलेज भी गया था। फिलहाल अभी ये स्टार्ट नहीं होने की हालत पे, क्योंकि इसमें जो इसका इंजन ऑयल है वो ख़राब हो चुका है, मतलब पूरा ख़त्म हो चुका है फिलहाल, और यहाँ पर गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। कल परसों मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट हो गई थी। फिलहाल अभी ये वाली गाड़ी को मुझे सही कराना है, क्योंकि मुझे और कामों के लिए ये गाड़ी यूज़ करनी पड़ती है, तो ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि इसमें 100 के पेट्रोल में काम हो जाता है। और उस वाली गाड़ी में 300-200 रुपये का पेट्रोल भाई से बात ही नीचे करनी नहीं होती, क्योंकि 300-400 पेट्रोल तो इसमें लगेगा ही लगेगा, अगर कहीं जाना है तो मैक्स 300 का तो पेट्रोल, क्योंकि ऐसी गाड़ियों में 300 का पेट्रोल रिजर्व में होना चाहिए, जैसे कि तुमको पता होगा तुम लोगों को, क्योंकि अगर तुम लोग जानते होगे कि ऐसे सुपर बाइक या कोई भी बाइक होती है जो हायर सीसी की होती है, उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल रिजर्व में होना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। अभी इस बाइक को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा गया हूँ, पर मोटो व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कैमरा नहीं मोटो व्लॉगिंग का, तो जैसे ही मैं कैमरा लेके आता हूँ फिर हम लोग वहाँ बहुत दूर दूर तक राइडिंग करने वाले हैं। तो फिलहाल गाइस मुझे एक बात बतानी तुम सभी लोगों को, क्योंकि मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी जो कि भाई वायरल होने की कगार पे आ चुकी है, मतलब 16K इसमें व्यूज़ आ गए थे, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। कल रात में मैंने ये डाली थी, आई थिंक मुझे 4 घंटे हुए थे, एंड 4 घंटे के बाद ये इसमें 16K से ज़्यादा व्यूज़ आ गए एक ही बार में, भाई मैं देख के शॉक हो गया। बट अभी यहाँ पर इसकी स्लो हो गया है, मतलब व्यूज़ की रफ्तार स्लो हो गई, मैंने सोचा था कि उठूँगा तो सुबह देखूंगा तो भाई 99K या 100K पार हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिलहाल यहाँ पर ये मैंने जिम में बनाई थी, और इसमें मुफ्ताज था जो कि मेरा जिम पार्टनर है, मैंने लिखा था टैग योर जिम पार्टनर, तो बहुत से लोगों ने शायद शेयर करा होगा। तो ये मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, श्लोक तड़ियाल 99 करके इंस्टाग्राम पे आईडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी बारह आ चुके हैं, हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, फिलहाल रजिस्ट्रेशन कराने के जा रहे हैं। नगर निगम में हम अपना कुत्ता पाल रहे हैं, इसकी जानकारी नगर निगम में देना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अगर कुत्ता पाले या बिल्ली पाले तो ये करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर कोई भी इंस्पेक्शन हो गया तो आप पकड़े जाएंगे और आप पे जुर्माना होगा।
अपने गाड़ी का पेट्रोल चेक करने दिया भाई। 1.5 लाख का जब कैमरा लिए रहते हो पेट्रोल भाई, मैंने नहीं कहा, वो बंदा कह रहा 1.5 लाख का भाई, मेरा मेरी थोड़ी ना गाड़ी है, गाड़ी तुम्हारी है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम आ रहे हो भाई, पहले तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना उस चीज़ का। नहीं, आप बताओ यार भाई, गाड़ी हम खड़ी कर रहे हैं, उसके बाद हमें आगे जाना पड़ेगा, तो आगे कितना दूर हो, थोड़ा दूर होगा। फिलहाल हम लोग चेक करके नहीं निकले थे और हमें जाना है, और अभी इस समय कहीं आगे पेट्रोल पंप भी नहीं है फिलहाल यहाँ पर, गाड़ी अभी पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, तो सोच रहे हैं आगे जाएं। और इस समय तो गवर्नमेंट का रूल है कि बॉटल पे आप पेट्रोल भर के नहीं डाल सकते कहीं पर, तो आपको गाड़ी लेके तो जाना पड़ेगा, ये बड़ी दिक्कत हो गई। फिलहाल भाई मुझे इसको देख के बहुत हंसी आ रही है, घर से निकला यार भाई, चेक करके निकलना चाहिए था, और गाड़ी देखो हम लोग खींच रहे हैं। फिलहाल ये आर्मी कैंप एरिया है और आगे जाने पे हम लोग को यहाँ पर पेट्रोल पंप मिलेगा, पता नहीं कि नहीं मिलेगा, वो देखना पड़ेगा। और यहाँ की लोकेलिटी बहुत अच्छी है यार, अगर आपको अच्छा लग रहा है व्लॉग फटाफट से लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और इसी तरीके से मैं डेली व्लॉग करने वाला हूँ आपसे, घर के भी होम डेली व्लॉग होने वाले। तो अब यहाँ से थोड़ी दूरी पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं, यहीं पर है, और तब से आधा घंटा हो गया हम लोग घसीटते पड़े हुए यहाँ पर, उसके बाद सोचे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे फिर निकलते हैं। यार हम लोगों ने सोचा नहीं था, पता नहीं ऐसा हो जाएगा भाई, यार क्या बताएं। वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर हमारी जीटी रोड है कानपुर की, और यहाँ पर इसके बगल में राइट हैंड साइड पे एक पेट्रोल पंप है, तो बस वहीं पर जाएंगे पेट्रोल भराएंगे, उसके बाद निकलते हैं। फिर बहुत ज़्यादा थक गए, तो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा कानपुर में। फाइनली इतनी मेहनत के बाद हम लोगों ने वहाँ से स्कूटी घसीटी और अब जाके पेट्रोल भराया है 150 रुपये का, और हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम मोती झील पे, जो पारस है वो वहाँ पर अभी शिकंजी के पैसे दे रहा है, चलना है फिर नगर निगम ऑफिस। यहाँ से कितनी दूर है? शिकंजी पीने आए थे। नहीं है कितनी दूर, ये तो बता दो कितनी दूर। बगल में है, और क्या, चलना है। नहीं, पासपोर्ट दिखाते हैं, पासपोर्ट देना मेरे को। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं हमारे नगर निगम ऑफिस पर, देख सकते हो ये है पासपोर्ट। तो गाइस अगर आप लोग कुत्ता पालना चाहते हो या बिल्ली पालना चाहते हो, बहुत पसंद करते हो, तो नगर निगम से ये चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ गाइडलाइंस है जो कि गवर्नमेंट ने अभी निकाली है, ये आपको फिल करना पड़ेगा। कंपेनियन पासपोर्ट एंड इट्स फोटो, फोटो के साथ इसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अब इसका ना करा पाए, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट ना बन पाया, लेकिन कुत्ते ने हमारी जान महल ली। आज ये बहुत दिनों बाद कुछ लिखने जा रहा है सही, मतलब पेपर तो भूल ही गए, स्कूल के पास से लिखना तो भूल गया, अब ये आज बहुत दिनों बाद लिखेगा कुछ, सही लिखना भूल गए। अभी हम जा रहे हैं पेन लेने, पेन यहाँ पर नहीं मिल रहा हम लोग को, तो पेन लेने जा रहे हैं। और भाई कसम से बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफिस जितने होते हैं बहुत, मतलब देखो कहेंगे नहीं पर बहुत ज्यादा, प्राइवेट से तो बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। देखो अब ये लिखने जा रहा है, और भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए यही प्रॉब्लम रहती है, हिंदी के जो शब्द होते हैं कुछ वो समझ में नहीं आते हैं। तो फिलहाल लाइट ना आने के कारण से हम लोग वहाँ पर फोटो कॉपी नहीं करा पा रहे, और अभी मेरे को यहाँ पर आधा घंटा शायद रुकना पड़ेगा, 15-20 मिनट, उसके बाद अभी यहाँ से निकलना है हम लोग को। फोटो कॉपी कराने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके वहाँ पर सबमिट करना है। गाइस आपको एक कानपुर की फेमस चीज दिखाता हूँ, अगर दीवार में छुपा हुआ पान नहीं दिखे ना तो एक कानपुर नहीं है। काम हो चुका है और 500 रुपये लगते हैं यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करवाने, तो उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को दिखाने के बाद को कन्फर्मेशन मिलेगा। इस समय नगर निगम में हमारे हम लोग यहाँ खड़े हैं, ऑफिस पीछे आप देख सकते हो कानपुर का ऑफिस, और यहाँ पर अभी जो मेरा काम था वो हो चुका, हम निकल रहे हैं यहाँ से। सो हे गाइस, और मैं अभी घर आ चुका हूँ, तो हम लोग गए थे वहाँ से, हमें कम से कम 2-3 घंटा हो गया है, फिलहाल अभी 4:30 बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ लाइव कर लूँ जाके, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे को बहुत सारे और काम भी निपटाने, तो वीडियो तो मुझे बनाने ही रहते, साथ में लाइव भी करना पड़ता, तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर अभी मेरा टाइम और ज़्यादा चला जाएगा इन चीज़ों में, तो मुझे सोच रहा हूँ कि मैं चला जाऊँ तुरंत जाके लाइव करता हूँ या और काम निपटाता हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं एंड करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ सच में, एंड मैं सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉग करूँगा अब से, डेली व्लॉग आने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर रहो, क्योंकि बहुत सारे मैसिव कंटेंट आने वाले हैं। एंड मैं मोटो व्लॉगिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मैं GoPro खरीदने वाला हूँ। मेरे को ना क्या है एक्चुअली कि मैंने सोच रखा था बहुत पहले से कि मैं कैमरे से तो मतलब व्लॉगिंग नहीं करने वाला, मतलब एक नॉर्मल व्लॉगिंग नहीं करना है, मेरे को बाहर जाना है, मेरे को ट्रैवल करना पसंद है, तो फिलहाल मैं मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करूँगा, कैमरा लूँगा, और फिर उसके बाद हम लोग मोटो व्लॉगिंग करने वाले गाइस जाने वाले बहुत ऐसी ऐसी जगह जहाँ आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और मैं सोच रहा हूँ कि लद्दाख ट्रिप करने वाले बहुत जल्दी। फिलहाल उसके तो अभी देखेंगे, फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर जो मेरी बाइक है अपाचे 310 RR, फिलहाल उसके लिए भाई मैं एक वीडियो बनाऊंगा, रिव्यू वीडियो, अगर आप लोग बोलना चाहोगे तो मुझे बता सकते हो, एक ओनरशिप वीडियो होते हैं ना, ओनरशिप वीडियो अगर आप लोग बोलना चाहोगे तो मैं बना दूंगा। एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आपने फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी मैं जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ लाइव कर लूँ, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग कह रहे हैं एपेक्स लेजेंड की लाइव कर लो, मेरा दूसरा भी चैनल है, जिनको नहीं पता मेरा दूसरा चैनल है गेमिंग का,
तो तुम वहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, श्लोक त्रियाल डालोगे तो मिल जाएगा, वैसे भी आप मेरी फीड में जाके देख सकते हो। तो फिलहाल आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सुबह से मैं बाहर ही हूँ, 2-3 घंटे से बाहर था भाई। पारस का भी जो कुत्ता है उसका रजिस्ट्रेशन अभी पूरा तरीके से हुआ नहीं है, मतलब कि अभी हमें कल भी जाना पड़ेगा मंडे को, एंड अभी मैं 2-3 दिन से कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल एक्चुअली कॉलेज इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी एक तरीके से ख़राब ही पड़ी है, और फिलहाल मैं कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा इस समय, क्योंकि मुझे थोड़ा फोकस में लगा रहा हूँ मैं। अभी 10-12 दिन मैं भोपाल में था, तब मेरे यूट्यूब में मैंने फोकस नहीं लगाया था, तो मेरे थोड़े वीडियोज़ डाउन हो गए थे, एंड मैं सोच रहा हूँ कि अब उस पर फोकस करूँ, थोड़ा सा मेंटेन करके चलूँ। और फिलहाल 5 तारीख को दशहरा है, तो वो व्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलना, एंड आपसे डेली व्लॉग आने वाले हैं। तो यार अभी मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ, फिलहाल मिलते हैं कल परसों नरसों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस, बाय बाय।